Assalamualaikum students, hope you all will be fine. This is an April assessment of class 5. Section A. All questions of each section are compulsory. It should be completed in 1 hour. Deleting, overwriting is not allowed. हर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आपने इनको 1 आवर में कंप्लीट करना है. डिलीटिंग ओवर राइटिंग अलाउ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को फिल करें. डैश वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी. नंबर 2, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स. एक बाइट में कितने बिट्स हैं. नंबर 3, डैश इज हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन. कैसे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं. नंबर 4, रोम इज़ परमानेंट डैश मेमोरी. रोम जो है वो एक परमानेंट डैश मेमोरी है. नंबर 5, डैश वर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हम यूज़ करते थे किस में. नंबर 6, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड अपॉन द यूज़ ऑफ डैश. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो उसमें हम क्या यूज़ करते थे. नंबर 7, द कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव रैम अप टू डैश. कंप्यूटर सिस्टम में रैम जो है वो कितनी रैम होनी चाहिए. नंबर 8, अ डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस विच कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं. नंबर 8, डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू कंट्रोल टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन. कंप्यूटर की वो एबिलिटी जिसे हम कंट्रोल जिसे वो कंट्रोल करता है टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को और एनिमेशन को. नंबर 10, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स अ लैंग्वेज कॉल्ड. कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उसका नेम आपने राइट करना है. ओके, टर्न द पेज. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. इन टर्म्स की फुल फॉर्म को राइट करें. यूनिवेक, LSI, CDRW, DVT, CAI. क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी के मेजरिंग यूनिट्स को राइट डाउन करें. 1 byte, 1 nibble, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte. इनके मेजरिंग यूनिट्स को आपने राइट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस के क्या आंसर राइट करें. व्हाट इज़ अ पंच कार्ड. पंच कार्ड क्या है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CDR एंड CDRW. CDR और CDRW के दरमियान क्या डिफरेंस है. नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट. इंटरनेट और इंट्रानेट के दरमियान क्या डिफरेंस है. नंबर 4, व्हाट इज़ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग क्या है. नंबर 5, व्हाट इज़ द हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या है. लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. इन कंप्यूटर की टाइप्स को डिफाइन करें. सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. This is a May assessment of class 5, section A. All questions of each sections are compulsory. It should be completed in 1 hour. Deleting, overwriting is not allowed. हर sections के सारे questions compulsory हैं. आपने इनको 1 hour में complete करना. Deleting, overwriting is not allowed. Question number 1, fill in the blanks. इन blanks को fill करें. डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू द कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं. नंबर 2, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ जस्ट द डैश बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र. कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो क्या है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान. नंबर 3, अ डैश पैकेज इज़ अ पैकेज दैट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़. वो पैकेज
जिसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. नंबर फोर्थ, लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मशीन इज कॉल्ड अ डैश. लैंग्वेज जो हम मशीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं. नंबर फाइव, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस नोन एज. किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन गाइडलाइंस को, जिन रूल और कॉन्सेप्ट्स को, हदायात पर आप अमल करते हैं, रूल्स के बेस पर वो प्रोग्राम बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं. नंबर सेवन, डैश इज़ अ सेट ऑफ रिटन सिम्बल्स दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क. वो सेट ऑफ रिटन सिम्बल्स जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने टास्क परफॉर्म करना है, उन्हें क्या कहते हैं. नंबर सेवन, डैश इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपने इस चैप्टर में रीड किया है. नंबर एट, डैश सॉफ्टवेयर पैकेजेस टिपिकली एड्रेस द प्रोसेसिंग नीड ऑफ यूज़र्स. कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो यूज़र की नीड पर बनाए जाते हैं. नंबर नाइन, डैश इज़ अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप जो आपने इस चैप्टर में रीड की है. नंबर टेन, डैश आर पैकेजेस डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र. कौन से पैकेजेस जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, टर्न द पेज. सेक्शन बी, मैच द फॉलोइंग. सेक्शन बी, मैच द फॉलोइंग. इनको आपने मैच करना है. नंबर वन, टाइप्स ऑफ सिंगल फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस. सिंगल फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस के टाइप, बूटिंग. एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम. कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल, मशीन लैंग्वेज. प्रोसेसिंग ऑफ लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू द कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी से में ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं. स्पेशल पर्पस. लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मशीन इज कॉल्ड. लैंग्वेज जो मशीन अंडरस्टैंड करती है, command.com. द कमांड प्रोसेसर. कमांड प्रोसेसर क्या है जिसमें कमांड्स होती हैं. डॉस एंड विंडोज. आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ iodotsys. iodotsys क्या है. नंबर टू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान क्या डिफरेंस है. नंबर थ्री, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है. नंबर फोर, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन. लैंग्वेज और एप्लीकेशन को डिफरेंशिएट करें. नंबर फाइव, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीरिटन सॉफ्टवेयर. प्रीरिटन सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं. नंबर सिक्स, डिफाइन कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डिफाइन करें. एंड नंबर सेवन, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है. सो दिस इज़ अ मैथ असेसमेंट ऑफ क्लास फाइव. इट शुड बी कम्प्लीटेड इन वन आवर.